बच्चों हमने पढ़ी पोयम विंड आज करेंगे हम इसी पोयम के क्वेश्चन आंसर्स तो चलो करते हैं क्वेश्चन आंसर्स की शुरुआत पहला सवाल है वॉट आर द थिंग्स द विंड इन द फर्स्ट टैंजा पहले स्टांजा में हवा क्या क्या चीज़ें करती है तो क्या लिखेंगे हम द विंड ब्रेक्स द डोर्स ऑफ द विंडो क्या करती है हवा जो विंडो है उसके डोर्स यानी कि जो शटर्स हैं उनको क्या कर देती है ब्रेक कर देती है तोड़ देती है स्कैटर द पेपर्स एंड थ्रोज डाउन द बुक ऑन द शेल्फ और साथ ही साथ हवा बिखेर देती है पेपर्स और गिरा देती है किताबों को जो कि शेल्फ पर रखी होती हैं इट ऑल्सो टेयर्स द पेजेस ऑफ द बुक्स साथ ही साथ हवा फाड़ देती है पन्नों को बुक्स के किताबों के एंड ब्रिंग्स रेन और ले आती है वर्षा दूसरा सवाल हैव यू सीन एनी बड़ी विनो ग्रेन एट होम और इन फील्ड वॉट इज द वर्ड इन योर लैंग्वेज फॉर विनोइंग वट डू पीपल यूज फॉर विनोइंग तो बच्चों आपसे ये पूछा गया है कि आपने कभी भी किसी को विनो करते हुए देखा है अनाज को यानी कि फटकारते हुए देखा है अनाज को अपने घर में या फिर पैडी फील्ड में धान के खेतों में तो क्या लिखेंगे यस yes, हाँ आई हैव सीन लेडीज विनो ग्रेन इन माई विलेज मैंने देखा है महिलाओं को विनो करते हुए फटकारते हुए अनाज को पीपल विनो ग्रेन्स टू रिमूव स्ट्रॉज अब लोग क्यों विनो करते हैं बच्चों क्यों फटकारते हैं क्योंकि वो अनाज को अलग करना चाहते हैं घास फूस से शाफ एंड डस्ट और क्या मिलता है उसके अंदर उस आ, फटकारने से क्या क्या निकलता है शाफ भी निकलता है और धूल भी निकलती है और अनाज अलग हो जाता है इट इज़ कॉल्ड बरसाना और इसको हम क्या बोलते हैं बरसाना बोलते हैं तीसरा सवाल वॉट डज द पोइट सी दिन गॉड तो ये जो कवि है वो क्या कह रहा है कि विंड गॉड जो वायु के देवता है वो क्या विनो करते हैं क्या फटकारते हैं वो तो वो सब कुछ फटकारते हैं बच्चों जो घर में मौजूद है तो क्या लिखेंगे हम द विंड गॉड विनोज ऑल द थिंग्स अवेलेबल एट होम जो हवा के देवता है वो सब कुछ विनो कर देते हैं जो कि घर में मौजूद होता है चौथा सवाल हाउ डज वी मेक फ्रेंड हम पवन को हवा को अपना मित्र कैसे बना सकते हैं हम तब बना सकते हैं बच्चों जब हम अपना घर मजबूत बनाएं हम अपने शरीर को मज़बूत बनाएं अपने दिल को मजबूत बनाएं तो क्या लिखेंगे हम देखिए द पोएट सजेस्ट दैट वी शुड बिल्ड स्ट्रोंग हाउसेस जो ये कवि है वो ये सुझाव देते हैं कि हमें मजबूत घर बनाने चाहिए एंड फिक्स द डोर्स फॉर्मली और जोड़ देना चाहिए दरवाज़ों को मजबूती से टू मेक फ्रेंड्स विद द वन ताकि हम क्या कर सकें हवा को अपना मित्र बना सके मोरोवो वी शुड बी स्ट्रोंग इनफ टू फेस द डिफिकल्टीज इन लाइफ साथ ही साथ हमें खुद को भी इतना मजबूत बनाना चाहिए कि हम जीवन के सारी मुश्किलों का सामना कर सकें पांचवा सवाल वट डू द लास्ट फोर लाइन्स ऑफ द पोएम मीन टू यू तो बच्चों जो इस पोएम की आखिरी चार लाइनें हैं उसका मतलब क्या है देखिए द लास्ट फोर लाइन्स कन्वे द मैसेज जो आखिरी की चार लाइनें हैं वो ये संदेश देती हैं कि दोस्त हु आर नॉट डिटर्मेंड एंड लैक कॉन्फिडेंस जिन लोगों के अंदर दृढ़ निश्चय नहीं होता और आत्मविश्वास की कमी होती है फेस डिफीट उनको हमेशा क्या होती है असफलता का हार का सामना करना होता है एंड दोज हुट देर टारगेट्स एंड मेक सिंसियर एफर्ट्स और वो लोग जो अपना लक्ष्य तय कर लेते हैं और उसके लिए गंभीर रूप से कोशिशें करते हैं आर नॉट डिस्टर्ब्ड बाई एनी ऑब्स्टिकल वो कभी भी व्यथित नहीं होते किसी भी ऑब्स्टिकल से किसी भी परेशानी से छठा सवाल हाउ डज द पोइट स्पीक पोइट स्पीक टू द वि जो पोइट है वो हवा से किस प्रकार से बात करता है इन एंगर और विथ ह्यूमर मजाकिया तौर से या फिर गुस्से में यू मस्ट ऑल्सो हैव सीन और हर्ड ऑफ़ दिन क्रम्बलिंग लाइफ आपने ये भी सुना होगा कि जो हवा है वो जर्जर कर देती है जीवन को वॉट इज़ योर और रिस्पॉन्स टू दिस इज इट सेम एज़ द पोएट और आपका इस बारे में क्या विचार है क्या आपका विचार बिल्कुल पोइट के विचार जैसा ही है तो बच्चों मुझे तो लगता है पोएट मजाकिया तौर से विंड के बारे में बात कर रहा है और क्या कर रहा है वो देखिए मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये जो क्रम्बलिंग लाइव है हवा जीवन को जर्जर कर देती है उसका अर्थात सबसे पहला तो ये है कि कोई भी मुश्किल परिस्थिति कमज़ोर लोगों को आसानी से तोड़ देती है और मेरे ख्याल से तो लेखक का भी यही मतलब है चलो जानते हैं इस सवाल का उत्तर क्या है द पोएट स्पीक्स टू द विंड विथ ह्यूमर जो ये पोएट है कवि है वो इस हवा से बात कर रहा है ह्यूमर के साथ में I opine that the poet's बिहेवियर is pertinent and I have also seen the wind devastating the property mercilessly. तो भाई मुझे ऐसा लगता है जो poet का जो व्यवहार है वो बिल्कुल सही है क्यों क्योंकि मैंने भी देखा है हवा को mercilessly लोगों के जीवन में लोगों की जो सम्पत्तियाँ हैं उनको नष्ट करते हुए The poet invites the wind to attack him and intends to prepare himself for the attack. और ये जो कवि है वो क्या बोल रहा है वो खुद को तैयार कर लेता है उस आक्रमण के लिए जो कि हवा कर सकती है और फिर वो क्या करता है हवा को आक्रमण करने के लिए इन्वाइट भी करता है आमंत्रित भी करता है तो बच्चों अच्छी लगी ना आपको ये पोयम हमने भी ये चीज़ सीखी है कि हर मुश्किल परिस्थिति का सामना करने के लिए हमें खुद को मजबूत होना होगा अगर हम मजबूत हो गए तो हर परिस्थिति का हम बहुत आसानी से सामना कर पाएंगे तो बच्चों अब मिलेंगे अगले वीडियो में और क्या करेंगे हम करेंगे आपकी बुक बी का तीसरा चैप्टर बने रहिएगा मेरे साथ मिलते हैं अगले वीडियो में